नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 12 अक्टूबर 2022 से आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर के सीधे सीधे संकेत आ चुके हैं। आपका जीवन इन 24 घंटों में पूरी पूरी तरीके से बदल रहा है। बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले इस दिन के ग्रह गोचर पर नजर डालें तो आपको बता दें, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। भरणी नक्षत्र का निर्माण हुआ है, साथ ही व्रज योग बना है। सूर्य इस दिन कन्या राशि में है एवं चंद्रमा मेष राशि में संचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, इस ग्रह गोचर का प्रभाव आपके व्यापार पर, नौकरी पर, परिवार पर, निजी जीवन पर, स्वास्थ्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से सभी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। बस आपसे अनुरोध इतना है कि वीडियो के बीच में सावधानियां हैं, अंत में बहुत सटीक उपाय हैं, तो अंत तक अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं, महाकाल के सच्चे भक्त हैं, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते ही आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आइए बड़े ही उम्दा अनमोल विचार के साथ वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं समझदार वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार वह होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। मान लीजिए अगर कोई आपको गलत बोल रहा है, आपसे गलत बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो आपको भी उसी तरह उसे जवाब देकर अपना मुंह खराब नहीं करना है। आपको जवाब देने का अधिकार समय को देना है और समय आने पर उसे अपनी औकात अपने आप ही पता लग जाएगी। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 24 घंटों में जिंदगी का पैगाम आ चुका है और आर्थिक स्थिति में मजबूती लेकर आ रहा है। नौकरी कर रहे लोगों को शुभ खबर मिलेगी और परिवार में किसी बात को लेकर आपका मन बेचैन रहेगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का दोस्तों यह व्यवहार होता है कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लेते, वह चैन की सांस नहीं लेते हैं। तो अब आपको अपने दिमाग को शांत करना है और समस्या का समाधान खोजना है। आपके पास हल चंद मिनटों में होगा। यह जो 24 घंटे हैं, परोपकार के काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, यानी अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी आगे अच्छा ही होगा। यदि जीवन साथी के करियर को लेकर आपके अंदर कोई भी परेशानी है तो बहुत अच्छा अवसर इन 24 घंटों में मिलेगा और इनकम के आय के ज्यादा स्रोत प्राप्त होंगे, अच्छा फायदा होगा। रोजगार की तलाश कर रहे लोग बेहतरीन रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे, लेकिन संतान से धन संबंधित विवाद पर आपकी बहस हो सकती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वे पैसों का महत्व समझे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वे पैसों का सही से इस्तेमाल करें जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। आप इसके लिए उन्हें चिल्लाइए, संस्कार दीजिए। और हमारा इतना ही मानना है कि बच्चों को अगर खिलौना नहीं दोगे तो वो कुछ देर रोएगा, लेकिन बच्चों को अगर संस्कार नहीं देंगे तो वो जिंदगी भर रोएगा। ससुराल पक्ष से बड़ी मात्रा में धन आएगा, इससे दोस्तों आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन आपको किसी से भी इन 24 घंटों में भूल कर भी धन उधार नहीं लेना है, वरना आप उस उधारी को, उस कर्ज को चुका नहीं पाओगे और फिर बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। दिनचर्या में उपयोग आने वाली वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। आगे हम आपको सावधानियां बताएंगे। वीडियो के अंत में बहुत अच्छा उपाय है, इसलिए अंत तक देखते रहना। यहाँ तक अगर देखा है तो लाइक करें और जय माता दी।
जरूर लिखें। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिस्थितियां बनती है, बिगड़ती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और उस इंसान की ताकत की मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। तो आप पेशेंस रखें, समय के साथ हर परिस्थिति में बदलाव आता है और आपकी जिंदगी पुनः पटरी पर आ जाती है। कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकते हैं, आप उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करिएगा। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो मन ही मन ये बार बार सोचते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। वे लोग भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास तो वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें सुखी रहिए, वे ही लोग आपके लिए मोटिवेशन बनेंगे। आने वाले 24 घंटों में किसी काम को पूरा करने के लिए आप निरंतर तत्पर रहेंगे, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जल्दबाजी कभी भी आपको अच्छे फल नहीं देगी, इसलिए मन परेशान ना करें, मेहनत बरकरार रखें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी झोली में सफलता जरूर गिरेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा नरम गरम दिन रहेगा, कुछ पुराने रोग दिक्कत दे सकते हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी जाती है। घर पर कुछ भी गलती ना करें, योग और व्यायाम करते रहें, इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नकारात्मक ग्रहों की माने तो वाणी में मधुरता बहुत जरूरी है। अगर वाणी खराब रहेगी तो व्यवहार बनने की जगह बिगड़ जाएगा। आपको किसी और के मसले में अपनी राय नहीं देनी है। अगर कोई विवाद चल रहा है तो पर्सनल किसी का है तो उन्हीं को निपटने दें, आप अपने काम से मतलब रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जिंदगी का पैगाम आ चुका है और आपके लिए दोस्तों कई परिस्थितियां उत्पन्न होगी, आपको उन परिस्थितियों से लड़ना होगा। आपको एक बात समझनी होगी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कुछ परिवर्तन हमें जिताते हैं तो कुछ परिवर्तन जीतने की कला सिखाते हैं, और हारा हुआ इंसान जीतने वाले से ऊपर होता है क्योंकि उसे जीत की कीमत पता होती है। इतना ध्यान रखना, अपने कामकाज को लेकर आप व्यस्त रहोगे जिस कारण परिवार को समय नहीं दे पाओगे। तो अगर मूड फ्रेश करना है, अगर वास्तविकता में आपको अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है तो अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए, उनके साथ खाना खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है तो वह दूर होगी, एवं कार्य क्षेत्र में से कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मन में संशय बना रहेगा, कोई बात आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहेगी जिससे चलते आप चिंतित रहोगे, वह बात आप किसी को बता भी नहीं पाओगे। इसलिए इस दिन आप परेशान तो रहोगे, तो मन में कुछ भी दुविधा है तो जीवन साथी या माता पिता के साथ साझा करें, आपको थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी। विद्यार्थियों ने भी परीक्षा की तैयारी में ढील पोल करी तो यह उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इतना आप ध्यान रखना। और दाम्पत्य जीवन में पहले के मुकाबले अच्छी मधुरता आएगी। नौकरी पेशा क्षेत्र में आपकी परीक्षा हो सकती है कि आपकी काबिलियत कितनी है, इसे तो आप पर काम का बोझ भी रहेगा। तो हर परीक्षा में सफल होकर दिखाइएगा, आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। व्यापारियों के लिए खुशियों की नई सौगात आएगी और बड़ी डील आपकी तय होगी। स्वास्थ्य के मामले में सचेत रहना है और दोस्तों बेरोजगारों को प्रयास जारी रखने हैं, मौका अच्छा है, भाग्य साथ दे रहा है, काम बन सकते हैं। और लव राशि वाला आपका यही कहता है कि इस दिन आपकी जिंदगी में कोई प्रेम करने वाला आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों उपाय की बात कर लेते हैं, एक ऐसा सटीक उपाय आपको बता देते हैं जिससे आपका कोई भी काम बिगड़ने वाला नहीं रहेगा। दोस्तों जब भी इन 24 घंटों में आप किसी शुभ काम को करने जाए, कोई अच्छा काम करने जाए, तो आपके घर के नजदीक आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, वहां पर जाइए। अगर महादेव का मंदिर है तो शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाइए और महादेव से प्रार्थना करिए कि
आपका काम पूरा हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों हनुमान जी के मंदिर में बैठकर दीपक जलाकर कम से कम 5 से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। समय कम है तो एक बार करिए और हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। आप जिस भी काम को जा रहे हैं वह काम आपका सफल होगा। तो दोस्तों यह थी खास महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।